हमारे पास आज Redmi Note 9 Pro Max है। इसमें हम आपको करके दिखाएंगे कि वाईफाई का पासवर्ड जो टैप टू शेयर करके QR शेयर होता है उसको बंद कैसे करें राउटर सेटिंग से। मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। जो हम वाईफाई का पासवर्ड डालते हैं वो दूसरे बंदे को शेयर करता है, कोई भी कर पाता है, क्योंकि QR कोड हर मोबाइल में आजकल दिखा देता है कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है। मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि पासवर्ड कैसे शो करता है और उसको बंद भी कैसे करें। मैंने कनेक्ट कर लिया इसको, देखो इस तरह से इसका QR कोड दिखाता है। इसकी स्क्रीनशॉट करके मैं Redmi मोबाइल में एक फीचर आता है वो स्कैनर, उसे मैं स्कैन करने वाला हूँ। तो मैं जाके लेते हैं, देखो ये पासवर्ड शो हो गया। मैंने जो अभी पासवर्ड डाला था वो शो हो गया। ये कोई भी देख सकता है अगर उसके पास Redmi मोबाइल है तो। और इसको बंद कैसे करें हम, क्रोम सेटिंग से राउटर का IP एड्रेस से उसको टैप टू शेयर पासवर्ड कैसे हटाए, या कि कोई हमारा पासवर्ड देख ना पाए। तो मैं करके दिखाऊंगा आपको सब कुछ। सबसे पहले तो इसका IP एड्रेस पता होना चाहिए कि कौन सा राउटर चल रहा है आपके पास। Redmi मोबाइल में Gateway नाम से आता है 192.168.0.1। इसको आप कॉपी कर लेना है या आप खुद ही डाल लेना क्रोम में जाके या गूगल में जाके। डालूंगा 192.168.0.1 था। एडमिन पैनल का पासवर्ड डालूंगा मैं, एडमिन। ज़्यादातर एडमिन ही होता है अगर आपने कभी चेंज नहीं किया हो तो। मेरे साथ मिस्टेक हो गया, admin.admin मेरा खुल चुका है एडमिन पैनल। सबसे पहले मैं ऊपर जाऊंगा, इसका वायरलेस है कहाँ, वायरलेस है, वायरलेस में जाऊंगा और यहाँ पे वायरलेस सिक्योरिटी लिखा हुआ है उसमें जाऊंगा। राउटर के साथ ज़्यादा छेड़खानी मत करना, अगर ख़राब हुआ तो इसको फिर रीसेट करना फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये जो हमारा पासवर्ड रखा है पहले WPA2PSK में रखा हुआ है, इसको हम चेंज करना है। मेरा यस में इनक्रिप्टेड है पासवर्ड, ये हर कोई देख सकता है। तो इसको टैप टू शेयर हम कैसे हटाए, ऐसे QR को कैसे बंद करें हम, मैं करके दिखाऊंगा आपको। ए जो WPA है ना उसको WEP वेब में रखना होगा, वेब पे। और जो हमारा पासवर्ड है ओपन सिस्टम है अभी, इसको शेयर किया कि पासवर्ड रखना है हमें, ओपन नहीं छोड़ना है। पासवर्ड ही डिसेबल होता है फर्स्ट में, तो 64 में लगा दिया और पासवर्ड डाल दिया। लेकिन इसमें पासवर्ड सिर्फ 5 डिजिट का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा, उससे कम का भी नहीं आएगा। 5 डिजिट का कोई भी पासवर्ड रख लो। अब मैंने रख लिया 5 डिजिट का पासवर्ड और इसको करूँगा सेव। हाँ, ये बता रहा है कि राउटर अगर रिबूट नहीं हुआ तो ये सेटिंग काम नहीं करेगा, मतलब राउटर रिबूट करना चाहिए हमें। राउटर ऑफ करने से अच्छा है मैं सिस्टम से ही इसको रिबूट कर दूं। यस, अभी होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है। राउटर रिबूट होने के बाद हमारा पासवर्ड जो है वो 5 डिजिट की हुआ है। अगर 5 डिजिट के आपने पासवर्ड डाल दिया उसमें तो वो टैप टू शेयर करके QR नहीं शो नहीं करेगा। हमारा ऊपर से वो नेट जा चुका है, मतलब पासवर्ड चेंज हो चुका है। मैं अभी पासवर्ड डाल के देखता हूँ। हाँ, वेब सिक्योरिटी में दिखा रहे हैं अभी का पासवर्ड जो 5 डिजिट का था, मैं डालता हूँ यहाँ पे। WAMI1 कनेक्ट हो गया। अब दिखाओ टैप टू शेयर करके, नहीं दिखा रहा है, बस टैप टू शेयर नहीं दिखा रहा है।
यही करना था, हमें हो चुका है। अब वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।